और हम ये समझते हैं कि ये सारा पॉलिटिकल इशू है जिसमें कॉमन आदमी जो है तो सफर है। पॉलिटिकल इशू ऐसा है कि ये यहाँ पे जो लोकल बॉडी के ऊपर जिसका जो है तो कंट्रोल है, वो लोगों का टोटल फेलियर जो है वो अपने टोटल 30 ईयर्स के फेलियर को छुपाने के लिए, जब उनका कॉमन पब्लिक जो कि कॉमन औरतें तक जब प्रोग्राम्स में आकर जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेयर से जब सवाल पूछने लगी कचरे के बारे में, पानी के बारे में, तो वहाँ पर जो उनको समझ में आया कि आज कॉमन पब्लिक अपने खिलाफ है, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदू मुस्लिम इशू में, जो कि आजकल का बहुत फेवरेट इशू है और बहुत ईजी टू टैकल है और इससे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। बेसिकली हम लोग इसको ये पॉलिटिकल वर्सेस की लड़ाई से कॉर्पोरेशन असल में मेन गिल्टी है इसमें। शिवसेना और बीजेपी का जो भुगतान मुसलमान भुगत है पॉलिटिकल, यहाँ पर कॉर्पोरेशन कचरा निकाल नहीं पा रही है, नल कलेक्शन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं कर पा रही है और जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी भी मोती कारंजे में जो कुछ इलीगल कनेक्शन निकालने की उन्होंने कोशिश की तो 2 इंच के पाइप किनके घरों के थे अब तक वो बता नहीं पा रहे, और अगर जिनके घरों के इलीगल 2 इंच के पाइप थे उन पर FIR क्यों नहीं कटी, ये सवाल का जवाब भी नहीं है। तो कॉर्पोरेशन टोटली फेल्यूर है, इसको जो है डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम फसाद में तब्दील किया है उसको, हम ये मानते हैं। और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है जो इधर उधर से जो इम्पोर्ट किया गया है। हमारा 30 साल से शहर अमन शांति के साथ था, लेकिन ये 2% के लोगों ने जो है इसको जो है पूरे अमन को बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बदल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये पूरी क्रोनोलॉजी को देखना पड़ेगा, फसाद सडनली शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले चमन की दुकानों के मसले बार बार आते रहे, हाई कोर्ट का स्टे है उसके ऊपर, स्टे के बावजूद भी कॉर्पोरेशन के ऑफिसर क्यों हटाना चाहते हैं उसको, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए उनके ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो ऑफिसर पे तो नहीं हो रहा है, उल्टा आकर वो गाड़ियाँ उलट रहे हैं, वहाँ के जो है दुकानें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको कौन उकसा रहा है, एरिया के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, वो उकसा रहे हैं उसको, और उकसा कर जो है छोटे मोटे धंधे करने वालों के फल बर्बाद कर रहे हैं, गाड़ियाँ उलट रहे हैं। शुरुआत ऐसे हो रही है, नल कनेक्शन के मामला, जो पाइप काटना चाहिए नल कनेक्शन में वो काटे नहीं जा रहे हैं, दूसरे पाइप काट रहे हैं, जो असल गिल्टी और डिफॉल्टर्स है उनको जो टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो कॉर्पोरेशन अपनी फेल्यूर जो कई बरसों से हो रही है उसका जो है अताप जो है मुसलमानों के सर मार रही है। अब उसके बाद जो धीरे धीरे अच्छा नुमाइंदगी भी हो रही है, जो लोग जो है गाड़ी वाले हैं दुकान वाले हैं जाकर पुलिस में आते हैं, FIR नहीं काट रहे। लच्छू पहलवान ने उस दिन जो हंगामा किया उसकी FIR पुलिस ने क्यों नहीं काटी, या ये कि कलेक्टर से जाकर जो नुमाइंदगी हुई है, कलेक्टर को तो राइटिंग में भी दिया है ना और ये बताया कि हालात ये लोग ख़राब कर रहे हैं, तो क्या किया कलेक्टर ने, प्रशासन भी फेल्यूर है और पूरा का पूरा जो है पूरा ताफा फेल्यूर है, और बकरी का भला जो है बकरे का मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वो बेचारा फेस कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे 307 फेस कर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, हड्डियाँ तोड़ी जा रही हैं, उनके फ्रैक्चर्ड है वो लोग। तो ये जो सूरत हाल है इसको इसके लिए हमने नुमाइंदगी की है, और अब भी शिवसेना को इससे और कुछ मिला ना मिला वो अपनी जो है फेल्यूर महसूस कर रही है, इसलिए कल फिर एक मोर्चे का ऐलान किया है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि कल अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन पुलिस महकमे के ऊपर होगी, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई कल गड़बड़ी होती है। हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं और ये राइटिंग में भी दे रखा है, उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो फिर हम आंदोलन जो डेमोक्रेटिक वे है उससे करेंगे और अपनी जो जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करेंगे। ये हमारा आखिर औरंगाबाद शहर के आज जितने भी तंजीमें हैं या ये समझ लीजिएगा पूरे औरंगाबाद शहर को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो तमाम लोग एक डेलीगेशन के तौर के ऊपर पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए और जो कुछ बातें थी जो पुलिस के सामने लाना बहुत ज़रूरी था वो बातें उनके सामने लेकर आए। कुछ शिकायतें थी कम्युनिटी की जिसमें से एक मेन शिकायत ये थी कि जो बेकसूर बच्चों को उठाया जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि किसी लड़के ने कहा कि नहीं वो भी था, किसी ने कहा कि नहीं वो वहाँ पर गया होगा, तो इस उसके ऊपर हमने साफ तरह से ये कहा है कि अगर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट अगर है और उसके सबूत अगर है तो यकीनन कोई भी इसके अंदर दखल नहीं देगा। लेकिन जो शिकायतें आ रही है कि ज़बरदस्ती बच्चों को उठाया जा रहा है जिनका कोई रोल नहीं था, वो रोल को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने इसको पॉजिटिव तरीके से देखा है। जो कुछ बच्चों के नाम हमने दिए हैं
वो उसको डबल से क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उन्होंने इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शंस के डबल वेरिफिकेशन के बाद अगर ये साबित होता है कि वो बच्चों का, तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी रहेगा जो इस तरह का उनका समर्थन करेगा। दूसरी बात यह है कि आज शहर में ये जो कोशिश हो रही है शिवसेना की तरफ से कि हम एक मोर्चा निकालेंगे और हमारी ताकत दिखाएंगे, हमने पुलिस कमिश्नर साहब से कहा है कि अगर 144 अगर लागू है तो वो किसी एक समाज के ऊपर लागू नहीं हो सकता है, ये पूरे शहर के ऊपर 144 लागू किया गया है। और जब 144 का मतलब ये है कि एक साथ पब्लिक वहाँ पर जमा नहीं हो सकती है, इसके बावजूद भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा और कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो आपको सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से जितना मुसलमानों की तरफ से हम कोऑपरेशन करना चाहिए वो पूरी तरह से कर रहे हैं, ख़ासतौर से कि ये जानते हुए कि रमज़ान का महीना है और सभी लोग इबादत के अंदर अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। कोई भी इस तरह की जो हरकतें यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर हो रही है वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद शहर का माहौल किस तरह से ख़राब हो। हमने पुलिस कमिश्नर को यकीन दिलाया है हमारे कौम की तरफ से, हमारे मुसलमानों की तरफ से, कि हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश रहेगी शहर में अमन बरकरार रहे इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर सामने वाले अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं कि शहर का माहौल ख़राब होना, तो ऐसी सूरत के अंदर हम पुलिस वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी डालते हैं कि शहर के अमन और बरकरार रखने की जिम्मेदारी वो आपकी रहेगी। देखिए, पुलिस कमिश्नर ने हमें वादा तो किया है, हमें पूरा यकीन दिलाया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि अगर कोई भी ऐसा केस सामने अगर आप हमारे लाते हैं कि अगर इस बच्चे को ज़बरदस्ती पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, आप हमें ये एस्टेब्लिश कर दीजिएगा ये बच्चे का कहीं अंदर रोल नहीं है। और मैं ख़ुद ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कहीं पर रोल नहीं था लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करके लेके आया था, जब पुलिस के सामने ये बात रखी गई थी तो पुलिस ने यकीनन उन्हें छोड़ा है। अभी भी कुछ जो केसेस है उसके बारे में उन्होंने फौरन कहा है कि री इन्वेस्टिगेट करे करके, और उस री इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर वो बच्चों को क्लीन चिट मिलती है तो हमारा तो ये काम है कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हम जाएँगे किसके पास, हम पुलिस के पास ही जाएँगे और हम पुलिस को ही बताएंगे। अभी तक जितनी कार्रवाई हो रही है पुलिस कमिश्नर के तरफ से तो हम उससे मुतमईन हैं। आगे हम लोगों ने जो जो बातें सामने रखी हैं अगर उसमें ऐसा लगता है कि हमें पुलिस की तरफ से है तो बराबर से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो यकीनन और भी दूसरे रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। शुक्रिया।